हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जिसको दुनिया की बेरगबती अल्लाह ने अता कर रखी हो, यानी दुनिया की मोहब्बत उसने, दुनिया की चाहत को, मोहब्बत को उसने दिल से निकाल फेंका, और उसको किल्लत मंतिकिन कम बोलना, यानी बामकसद बात करना, जो ज़रूरत की बात है वो बात, ये दो औसाफ अगर किसी को अल्लाह ने अता कर रखे हैं, ये दर हकीकत आज की इस महफिल की मुनासबत से और औलिया अल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे सालहीन बुजुर्गान दीन जो सूफी ऑर्डर्स हैं, सूफिया के सिलसिले में जो हम ताल्लुक कायम करते हैं, उसकी गवाही और शहादत और तालीम ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हमें दे रहा है, हमें गाइडेंस दे रहा है कि हम जो सूफिया का रास्ता है और जो सूफी टीचिंग्स हैं उनको अपनाएं, और अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, उनसे ताल्लुक कायम कर लें, इसलिए कि औलिया अल्लाह की अलामात में से, उनकी निशानियों में से बड़ी वाज़ह ये निशानियां हैं जो इस हदीस पाक में पेश की गई हैं। फरमाया जब कोई ऐसा शख्स तुम्हें मिले, यानी अल्लाह का वली, उसमें ये उसकी शान होती है जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई, वकिल्लत मंतकिन कम बोलना, बेमकसद बात वो नहीं करता, जब बात करता अल्लाह का जिक्र करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करता है, और वाज और नसीहत जो सालहीन का तरीका है वो करते हैं। जब ये औसाफ किसी में आप देखो, उसको अल्लाह ने ये नेमत दी है, तो क्या करो, फ़क्त तारिबू मिनहु, तुम ऐसे शख्स के करीब होने की कोशिश करो, फ़क्त तारिबू मिनहु, ये तसव्वुफ़ की रहनुमाई है, और यह अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने का ये मैसेज है, फ़क्त तारिबू मिनहु, तुम ऐसे जो फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, वलिया अल्लाह, उनके करीब होने की कोशिश करो, उनके दोस्त होने की कोशिश करो, उनकी निस्बत इख्तियार करो, उनकी गुलामी इख्तियार करो, उनका उनके उनकी माहियत और संगत उसे इख्तियार करने की कोशिश करो, उनके करीब होने की कोशिश करो। क्यों? फ़इन्नहु युलक्कल हिक्मा, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने उनके दिलों को हिकमत से मामूर कर दिया है, मारफत अता कर दी है, मारफत का नूर दे दिया है, उनके सीने हिकमत से अल्लाह के वो मारफत के नूर से, जो बातनी विजडम है, वो नूर है, उससे उनके सीने रोशन हो चुके हैं, लिहाजा तुम उनके करीब हो जाओ, जितने करीब होते चले जाओगे, अपना रूहानी ताल्लुक कायम करते चले जाओगे, उनकी तालीमात को अपनाते चले जाओगे, वो रंग तुम्हारी जात पर भी चढ़ता चला जाएगा।